स्नान कर दिया और एक भंगी के घर जा बिके। फिर महाराज उनका कहीं भी तुलसीदास जी ने वर्णन नहीं किया, फिर महाराज रघु का ही वर्णन किया। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ऐसा क्या था महाराज रघु में जो तुलसीदास जी ने केवल उन्हीं का नाम लिखा, उन्हीं का वर्णन किया। बाबा कहते हैं देवी यदि तुम जानने चाहती हो तो सुनो, मैं तुमको बताता हूँ। एक समय की बात है देवी, महाराज रघु जो थे अपनी प्रजा की बड़ी देखभाल किया करते थे। महाराज रघु कभी किसी को कोई कष्ट नहीं देते थे, जीव जंतुओं को किसी को भी उन्होंने सताया नहीं, इतने अच्छे राजा थे। तो सारी प्रजा उनकी राज में बड़ी खुशहाल रहते थे और यही कहा करती थी कि राजा हो तो महाराज रघु जैसा राजा हो। और महाराज रघु दानी बहुत थे। महाराज रघु रोज गंगा स्नान करने जाते थे और गंगा स्नान करने के बाद में वहाँ पर जितने साधु संत महात्मा जितने भी लोग वहाँ पर बैठे होते थे वो सबको बहुत दान पुण्य करते थे। ऐसे एक दिन महाराज रघु जब गंगा स्नान करने के लिए चले तो उनकी जो सबसे छोटी रानी थी, अब ध्यान दीजिएगा महाराज रघु के 700 रानियां थी। कितनी? 700 रानियां। और जब वो स्नान करने जाते थे तो दान करने के समय वो एक रानी भी साथ में लेकर के जाते थे, क्योंकि कहते हैं कि बिना पत्नी के दान अधूरा माना गया है, तो एक रानी जरूर रोज ले जाते थे। तो एक दिन छोटी रानी राजा से दोनों हाथ जोड़ करके बोली कि स्वामी आप रोज एक रानी साथ में लेकर के जाते हैं। महाराज आज मैं भी आपके साथ में चलना चाहती हूँ, मैं भी थोड़ा दान पुण्य करना चाहती हूँ। महाराज रानी रानी दोनों हाथ जोड़ करके राजा से कहती है कि हम हूँ चलब पिया तोरे संगा, आज मैं आपके साथ में चलूंगी। राजा कहते हैं रानी ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो हमारा धर्म है, दान करना तो हमारा धर्म है और जितने ही दान करो उतने ही कम है। चलो रानी आज तुम मेरे साथ में चलो। आज महाराज रघु अपनी सबसे छोटी रानी को साथ में लेकर के चल पड़े और जा रही गंगा स्नान करने। ले संग नारी भूप चल दीना और करी स्नान गंग माली। छोटी रानी को साथ में लेकर गए गंगा जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद में महाराज रघु और सबसे छोटी रानी दोनों लोग दान करते हैं। जो मांगता है उसी भी देते हैं और जो नहीं मांगता है उसे भी दान देते हैं। महाराज सबको दान दिया और दान देने के बाद में तब तक एक पंडित जी आ गया। अब पंडित जी को जैसे ही महाराज रघु ने देखा
बोली पंडित जी ऐसा करिए आप भी हमसे कुछ मांग लीजिए। महाराज रघु ने कहा तो मगर पंडित जी कुछ नहीं बोले। महाराज रघु कहते हैं पंडित जी जब आप कुछ बोलोगे नहीं तो हम क्या जाने आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब महाराज रघु बार बार पूछते हो पंडित जी उनके मन में देखिए क्या चल रहा है। पंडित जी ने जैसे ही राजा की रानी को देखा वैसे ही उनका मन चलाए मन में विचार करते हैं पंडित जी कि दान दान को और कुछ नहीं चाहिए हमें तो तुम्हारी रानी अच्छी लग रही है। मन में सोच रहे पंडित जी। अब राजा फिर कहते हैं पंडित जी कुछ मांगो तो भाई क्या मांगना चाहते हो। पंडित जी कहते महाराज हम जो मांगेंगे वो आप हमें देंगे नहीं। रघु जी कहते अरे मांगिए तो क्या चाहिए। पंडित जी कहते देखो महाराज हम ऐसे नहीं मांगेंगे पहले हमें बचन दीजिए। भाई कसम खाइए क्या पता हम जो मांगे वो आप हमें दे दें इसलिए पहले बचन दीजिए। अब महाराज रघु ने वचन दिया बोले पंडित जी ठीक है चलो मैं तुम्हें को वचन देता हूँ तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। अब जब महाराज रघु ने वचन दे दिया तो पंडित जी कहते हैं महाराज रानी देहु भूप मोहिताना। पंडित जी कहते हैं महाराज मुझे और कुछ दान भी नहीं चाहिए। रानी देहु भूप मोहिताना और यही दान मोहि मन ही सुहा। पंडित जी दान नहीं चाहिए पंडित जी को रुपया पैसा नहीं चाहिए रानी को देखा हाय प्रभु जहा रानी कितनी सुंदर है। वारी पंडित जी कहते महाराज हमको दान रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए हमको बस तुम्हारी रानी चाहिए क्योंकि हमारी हमें तुम्हारी रानी बहुत सुंदर लग रही है। महाराज रघु ने जैसी सुना वाह पंडित जी मांगत 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 तो हमारी रानी है मांग ले। महाराज रघु कहते हैं पंडित जी तुम थोड़ा चूक गए थोड़ा तुमसे गलती हो गई। पंडित जी बोले अरे इसमें क्या गलती हमने तो इसकी रानी को मांगा फिर भी थोड़ा चूक गए ऐसा क्या चूक गए हम। पंडित जी कहते हैं महाराज क्या चूक गए। राजा कहते हैं भैया पंडित जी तुमने इसको देखा इसी को मांग लिया हमारी तो 700 रानी है और इससे भी सुंदर सुंदर रानी है उनको देखोगे तब क्या करोगे ये तो सबसे छोटी है। अब पंडित जी ने जैसी सुना पंडित जी ने सोचा कि जब ये इतनी सुंदर है तो और कितनी सुंदर होगी। महाराज रघु कहते पंडित जी ऐसा करिए आप कल हमारे महल में आ जाइएगा और जब महल में आ जाएंगे तो हम अपनी 700 रानियां तुम्हारे सामने खड़ी कर देंगे और तुमको जो अच्छी लगे उसी को तुम ले जाना। पंडित जी ने सोचा इससे ज्यादा अच्छी बात कौन हो सकती है। अब पंडित जी की नियत देखिएगा जरा कितने लालची हैं पंडित जी। पंडित जी बोले ठीक है महाराज कल आ जाएंगे हम। अभी इतनी बातचीत हुई राजा अपने घर चले गए पंडित जी अपने घर। पंडित जी रात में बिस्तर पर लेट गए लेकिन भैया नींद ना। पंडित जी करवट बदलते रहे हाय प्रभु जल्दी सवेर हो जल्दी राजा यहाँ पहुंचे का पता तनी को देर हुई जाए और राजा का मनु ही बदल जाए। तो पंडित जी रात भर करवटे बदलते रहे लेकिन नींद नहीं आई पूरी रात जागते रहे पंडित जी। धीरे 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 सुबह और जब सवेरा हुआ तो जैसे 4 बजे पंडित जी भागी पड़े नाश्ता तक नहीं किया पंडित जी भागे। राजा ने जैसे ही सुना बोले वाह पंडित जी तुम तो बड़े लालची निकले 700 तो रानी मांग ली तुमने। राजा बोले ठीक है पंडित जी अब मैंने वचन दिया है तो भैया देना तो पड़ेगा ही नहीं तो फिर हमारी रघुकुल की परंपरा है वो चली जाएगी सत्य झूठा हो जाएगा
आज महाराज रघु कहते हैं ठीक है पंडित जी जाइए ले जाइए। आज इसी माता पार्वती जी ने जैसे ही ये चौपाई सुनी रघुकुल रीति सदा चली आई वैसे माता जी के संस्कार बन गए। अच्छा एक बात बताइए ये चौपाई जो है रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए ये किसने और किससे कहा है कोई बता सकता है किस समय पर और किससे और किसने कहा है। इतने लोग बैठे हो 20-21 सालों से कथा हो रही है नहीं पता है। हाँ बेटिया बताइए बिल्कुल सही बताया। एक बार बेटिया जी के लिए ताली लगा दीजिए बहन जी के लिए। इतने लोग बैठे लेकिन किसी ने नहीं बता पाया लेकिन हमारी बहन जी ने बताया बहुत अच्छी बात है। अब मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बैठे जो कथा ध्यान से सुन रहे हैं ये चौपाई राजा दशरथ ने रानी कैकई से कहा कब जब रानी कैकई ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा जब कैकई ने सत्य छोड़ने की बात करी तब राजा दशरथ ने कहा कि रानी रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए। मेरे रघुकुल की परंपरा है कि प्राण भले ही चले जाए मगर सत्य नहीं छोड़ सकते हैं। जाइए मैं राम को 14 वर्ष का वनवास देता हूँ। अब वनवास तो दे दिया मगर दशरथ जी बर्दाश्त नहीं कर पाए उन्होंने उन्हें प्राण त्याग दिए बोली राघवेंद्र सरकार की। आज इसीलिए मानस ने तुलसीदास जी ने महाराज रघु का ही वर्णन किया है।